यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें खाना खिलाते थे, हम तुम्हारा पॉटी साफ करते थे, हम तुम्हारा डायपर चेंज करते, तुम्हें घुमाते थे, जब तुम रोते थे तो हम रात भर जग जग के तुम्हारी सेवा करते थे। आई मीन क्या आप इसके अलावा कुछ और करने वाले थे क्या? वो एक बेसिक नीड है एक बच्चे की। उसने खुद से प्लानिंग नहीं की थी कि अब मुझे इस दुनिया में जाना है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स होते हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस से, जो चीजें मैंने विटनेस की अपनी आंखों से, उसे मैं बता सकती हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं अपने बच्चों को लेकर। एंड इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्रेट्स क्या होते हैं एंड अगर आपके ऐसे पेरेंट्स हैं टॉक्सिक तो उनसे आपको कैसे डील करना है। आज का टॉपिक हो सकता है सेंसिटिव हो बहुत लोगों के लिए। आई डोंट नो कि इस वीडियो पे कैसे कैसे कमेंट्स आने वाले हैं। आई डोंट केयर व्हाट यू गाइस सी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। जो तुम देखते हो ना कि एक फैमिली मेंबर है, दे आर वेरी हैप्पी, दैट्स नॉट ट्रू। बिकॉज जो 50% है वो कहाँ से आ रहा है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखकर मैं बैठी नहीं। देन माय फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे एंड उनके पेरेंट्स थे, उनमें से मतलब सबके पेरेंट्स इतने टॉक्सिक थे, उनको ये भी नहीं पता था कि जो वो काम कर रहे हैं उससे उनके बच्चों पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। जो एक बच्चे का रिलेशन होता है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ होता है। देयर फर्स्ट रिलेशनशिप इज विद देयर पेरेंट्स। उन्हें पैदा होते ही कोई दोस्त नहीं मिलता है, इवन दादा दादी ये वो बाद में है, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स होते, उसमें से भी मदर होती है, फिर फादर होता है। एज अ फीमेल, सारे फीमेल्स के पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, बट उसमें से कुछ ही को पता होता है कि भाई बर्थ के बाद जो तुम्हारा बच्चा है उसको कैसे पालना है। दे ओनली हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस, बट उनको ये नहीं पता होता कि उस बच्चे का टेक केयर उनको कैसे करना है। आई एम डैम श्योर गाइज कि तुम लोगों ने ये कोट पढ़ा होगा, नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व टू बी अ पेरेंट। या एक बच्चे का जो सबसे पहला रिलेशन होता है वो अपनी माँ से होता है। अगर वो माँ है, उनको पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा बच्चा है ओके, उसके साथ तुम्हें सेल्फलेस रहना है। इट्स नॉट अबाउट कि वो इंसान जो बच्चा है उसने खुद से डिसाइड किया था कि उसको इस दुनिया में आना है। जब कोई पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उनको एक बेबी चाहिए होता है, तो उसके पहले उनको ये सारी चीजें माइंड में अपने रखनी चाहिए कि वो जो बेबी आने वाला है उनके पास वो सारी चीजें हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक जो बेबी है उसकी टेक केयर कैसे करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसको कब कब खाना देना है, जब उसको भूख लगे तो तुम खाना दे रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर उसने अपने डायपर में पॉटी कर दिया तो उसका डायपर तुम्हें चेंज करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर वो रो रहा है तो तुम उसको गोद में लेके खिला रहे हो, ठीक है। दैट्स अ बेसिक नीड। ये जो छोटा सा बच्चा है वो अपने आप से किचन में जाके खाना नहीं ले सकता है। सो दैट्स द बेसिक नीड। एंड यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हें खाना खिलाते थे, हम तुम्हारा पॉटी साफ करते थे, हम तुम्हारा डायपर चेंज करते थे, हम तुम्हें घुमाते थे, जब तुम रोते थे तो हम रात भर जग जग के तुम्हारी सेवा करते थे। वो एक बेसिक नीड है एक बच्चे की। उसने खुद से प्लानिंग नहीं की थी कि अब मुझे इस दुनिया में जाना है। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें एक बेबी चाहिए। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई नो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, सेल्फलेस होके रात भर जगते हैं, अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दोज। बट द थिंग इज, यहाँ पे है टॉक्सिक पेरेंट्स ओके, जो 50% की मैं बात कर रही हूँ। मैं नॉन टॉक्सिक की बात नहीं कर रही हूँ ओके। ये जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज को लेके उस बच्चे पे जिंदगी भर एक वो थोप देते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। उस चीज की मैं बात कर रही हूँ, जो पेरेंट्स वो सारी चीजें बोलते हैं ना, बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो कि हम तुम्हारे लिए कमा के आ रहे हैं, तुम्हें खाना खिला रहे हैं, ग्रेटफुल नहीं हो कि तुम्हारे बॉडी में वो जो कपड़ा है ना वो हम कमा के तुम्हें दे रहे हैं, तुम ग्रेटफुल नहीं हो कि तुम्हारे सर के ऊपर एक छत है। आई मीन क्या आप इसके अलावा कुछ और करने वाले थे क्या? आई मीन दिस इज अ बेसिक थिंग यू कैन प्रोवाइड टू योर चाइल्ड, तो क्या इसके अलावा कुछ और देना था क्या? ऑब्वियसली व्हेन यू गेट अ चाइल्ड यू नो दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट हिम और हर। जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं उनको आपके फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से, उनके एक्शन से आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल बी लाइक कि अगर हम उनकी बातों पे रिएक्ट करें तो हम जबान लड़ा रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं। एंड दे विल बी लाइक कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। क्यों? द फर्स्ट थिंग कि आपको मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। हमारा जो रिएक्शन है जिसको टॉक्सिक पेरेंट्स बोल देते हैं कि हम जबान लड़ा रहे हैं, उनको अपने एक्शंस की बिल्कुल नहीं पड़ी है कि उन्होंने क्या एक्शन किया है जिसकी वजह से ये रिएक्शन निकल रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं उनको उनके बच्चों की बिल्कुल पड़ी नहीं होती है। अगर वो बच्चा उनके पास जा रहा है बात करने के लिए तो दे विल बी लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता। या फिर वो ऐसा चीज क्रिएट कर देंगे ना उसके बच्चे पे कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उस पर उनका रिएक्शन ऐसा होगा कि वो बच्चा खुद ही डर जाएगा कि ये चीज मैं शेयर करूं या फिर ना करूं। इवन माय पेरेंट्स,
कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा लैक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों के पेरेंट्स होते हैं, इवन माय पेरेंट्स आर आल्सो, ऐसा होता ना कि कम्युनिकेशन की, या फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि यार पेरेंट्स ऐसा यू नो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां पे हमें डर लगता है उनसे अपनी बातें शेयर करने में। लाइक तुम देखो, एक कोई बच्चा ओके उसके साथ कुछ हुआ है एंड वो बच्चा मतलब तुम्हें शेयर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसने पहले देख रखा है ना कि जब उसने अपनी बातें शेयर की है तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा है। उसकी वजह से वो बच्चा अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उसे डर लगेगा यार कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तब मेरे मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। लाइक मदर होती हैं, काम करेंगी घर का, बोलेंगी कि यार मैं तो खाना बनाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। 5 मिनट लगते हैं कि तुम अपने बच्चे के कमरे में आ रहे हो और उससे पूछ रहे हो हाउ यू आर डूइंग, चल क्या रहा है, एनी प्रॉब्लम, क्या है क्या नहीं, बताओ अपने बारे में बताओ कि कल तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया। ये एक 5 मिनट का काम है कि एक पेरेंट्स एक बच्चे के कमरे में आके उससे सारी बातें पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। देखो जो पेरेंट्स होते हैं ठीक है, उनकी जो लाइफ लाइन है आधी तो खत्म ही हो जाती है जब तक उनका बच्चा बड़ा होता है, तो उन्होंने अपनी लाइफ ऑलरेडी जी रखी है, अब इस बच्चे की बारी आई अपनी लाइफ जीने की। बट नहीं, ये वहां पे सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल करेंगे। देखो दो चीजें होती है, पहली बात होती है कि कंट्रोल करना, दूसरी बात होती है सपोर्ट करना। जो नॉन टॉक्सिक पेरेंट्स होंगे, अगर कोई बच्चा कोई डिसीजन ले रहा होगा तो वो ये बोलेंगे कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें क्या गलत है क्या सही है मैं तुम्हें बताऊंगा, इवन आई नो कि जो मेरा बच्चा है वो अच्छा डिसीजन ही लेगा अपने बारे में, क्योंकि तुमने तो अपनी लाइफ ऑलरेडी जी ली है ना, अब उस बच्चे की बारी है तो उसके लाइफ को भी तुम कंट्रोल करना चाहते हो। पहली बात तो होता है सपोर्ट करना, वो बच्चा अगर तुम उसे सपोर्ट करो तो वो बताएगा कि मेरा डिसीजन ये है मैं ये करना चाहता हूं, तो वो जो पेरेंट्स होंगे बोलेंगे कि चलो ठीक है तुम ये सारी चीजें करना चाहते हो तो इसमें ये थोड़ी गलत है ये थोड़ी अच्छी बात है तो तुम ऐसे ऐसे करके ये डिसीजन ले लो, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। या फिर वो ये बोलेंगे कि मेरा बच्चा जो भी डिसीजन लेता मैं उसमें उसको सपोर्ट करूंगा, नॉट लाइक कि चलो ठीक है टॉक्सिक पेरेंट्स की तरह कि चलो तुम्हें ये नहीं करना तुम्हें ये बनना है। लाइक कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है तो वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हें आर्टिस्ट नहीं बनना तुम्हें डॉक्टर बनना है, उसको जो करना है उसको करने दो। अगर वो पेरेंट्स 20 साल चलो ठीक है 20 साल तुम रह लिए ठीक है, वो बच्चा मान लो 20 ईयर्स का हो गया, 20 ईयर्स होने के बाद मान लो उसके पेरेंट्स उसके साथ 20 से 30 साल रहेंगे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरा जितना करना था ओके एंड उसके बाद वो चले गए चल बसे ठीक है तो उसके बाद वो जो बच्चा है ठीक है जिसको तुमने जिंदगी भर कंट्रोल करके रखा है, तुमने ही उसका डिसीजन लिया है, वो अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन लेगा, उसको क्या पता कि क्या करना है। एंड जब तुम उसके लाइफ से चले जाओगे तो क्या वो बच्चा बैठ के रोएगा, वो किसको बोलेगा कि भाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूं मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, वो क्या करेगा, वो किससे हेल्प मांगने जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं 30 साल का हो गया हूं मुझे पता ही नहीं कि मुझे डिसीजन क्या लेना, पहले मैं ये करता था तो मैं मम्मी पापा को बताता था वो मुझे बताते थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो किससे पूछेगा, क्योंकि तुमने कभी उसको टाइम ही नहीं दिया कि वो अपनी लाइफ की डिसीजन खुद से ले, तुमने हमेशा उसको यही बोला कि जो तुम डिसाइड करोगे अपने लिए वो गलत है, हम जो डिसाइड करेंगे वही सही है तुम्हारे लिए। लेकिन वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारा भला चाहेंगे, चलो ठीक है तुम हमारे पेरेंट्स हो तुम हमारा भला चाहोगे लेकिन हम भी तो अपना भला ही चाहेंगे ना, हम कहां चाहेंगे कि भैया हमारे साथ बुरा हो जाए, ऑब्वियसली आपसे अच्छा तो मैं अपना भला देख लूंगी ना कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ऐसा तो नहीं है मैं खुद की दुश्मन हूं कि मुझे जो चाहिए होगा उसको छोड़ के मैं कुछ अपने लिए गलत डिसीजन लूंगी ताकि जिसमें मेरा फायदा ही ना हो। दे विल नेवर सपोर्ट यू, दे विल बी ऑलवेज लाइक कि भाई तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैं जैसा कह रहा हूं तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो, तुम जैसा कर रहे हो गलत, वो भी उसके बाद कर्सिंग भी करेंगे, वो उसके बाद कर्स भी देंगे तुम्हें, बुरा भला भी बोलेंगे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी ना ये नहीं मानी, भैया वो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहां, तुमने कभी उसको टाइम ही नहीं दिया। सपोर्ट करना अलग बात होती है कि तुम्हारा बच्चा जो है डिसीजन ले रहा है अपने लिए अपना भला ही चाहेगा, तुम उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हो, बट वो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पेरेंट्स उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। आई फील लाइक इवन माय पेरेंट्स उन्होंने मतलब इतना ज्यादा मतलब होता है ना उनका कि हम तुम्हें बचा रहे हैं इस दुनिया से, तुम्हें कुछ हो ना जाए, एक छोटी सी बॉल है ठीक है वो उनको बचा रहे हैं कि तुम्हारा ये दुनिया बहुत खराब है, ये है वो है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारा एक शील्ड बन रहा है। बट आई फील लाइक कि उनके इस थिंकिंग से पोजेसिव होना चलो ठीक है, केयरिंग होना चलो ठीक है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर होता है, इवन यू गाइस अगर फ्यूचर में तुम लोग मदर बनोगे या फिर फादर बनोगे तो तुम भी अपने बच्चों को लेकर केयरिंग होगे, बट अगर अपॉर्चुनिटी हमारे घर से बाहर है और मुझे घर से बाहर निकलना है, बीच में पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि नहीं मत जाओ बाहर, बहुत वो है, बाहर की दुनिया खराब है, तुम मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई तुम नेगेटिव क्यों बोल रहे हो हर टाइम
तुमने एक बार भी पॉजिटिव चीजें नहीं बोली कि चलो ठीक है तुम कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, वी विल सपोर्ट यू, नहीं वैसे हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बच्चे के लिए घर के अंदर नहीं आएगा, तुम्हारा बच्चा घर में बैठा हुआ अपॉर्चुनिटी खुद चल के तुम्हारे घर के अंदर आएगा, तुम्हारे बच्चे के पास आएगा। नो, उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ ना जो बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो बच्चा कोई भी डिसीजन ले रहा है उस चीज में वो ये बोले कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम ये करो, उनसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अगर ऐसी ही चीज है ना तो आप अपने बच्चों के साथ ना जिंदगी भर रहना, आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा लो, आप अपनी जिंदगी का टाइम और बढ़ा लो, लेकिन जब तक आपका बच्चा जिंदा तब तक आप उसके साथ रहो, उसका साथ बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि उस बच्चे को उसके बाद नहीं पता होगा कि वो अपनी लाइफ की डिसीजन कैसे ले। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, कंट्रोल करो, बट अगर आप बीच में उसको छोड़ के चले जा रहे हो ना तो उसके बाद आपका कोई फायदा नहीं है, आपने इतना मतलब आधी लाइफ तो उसकी कंट्रोल ही कर ली है, आधी लाइफ में क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई, उसके बाद वो डिसीजन कैसे लेगा। टॉक्सिक पेरेंट्स हैव लैक ऑफ ट्रस्ट एंड दे ऑलवेज डू डिमांड टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि देखो दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं अपने बच्चे पे ट्रस्ट करता हूँ कि वो है कैसी है कैसा, बट नहीं, टॉक्सिक पेरेंट्स का यही होगा कि अगर तुम उनके पास कोई चीज लेकर आओगे ना, शेयर भी करोगे, तो वो यही बोलेंगे कि तुम गलत हो, उन्हें हमेशा यही बोला है कि तुम गलत हो। तो वो बच्चा अगर सही भी होगा ना तो उसको यही लगेगा यार कि मैं ही गलत हूँ, उसको खुद के अंदर डाउट आएगा कि मैं कुछ भी करता हूँ मैं ही गलत हूँ, और वो हमेशा डिमांड करेंगे कि तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है, वो खुद बताएंगे कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम वो मत करो, वो डिमांड देंगे कि देखो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में पढ़ना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है चलो ठीक है तुमने ले लिया, बट जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो वो खुद से उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो समझ सकता है कि कौन सा स्कूल उसके लिए बेटर है, कौन सा कॉलेज उसके लिए बेटर है, बट उसके बाद भी पेरेंट्स विल बी लाइक कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना है, तुम्हें यहाँ पढ़ना है, वो जो कॉलेज है वो बहुत दूर है, तुम्हें पास के कॉलेज में पढ़ना है, मान लो कि वो जो दूर वाला कॉलेज है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, वो ज्यादा अच्छा हो, तो तुम पास वाले कॉलेज में क्यों उसको डाल रहे हो, तुम अपने बच्चों से खुद ही अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। यहाँ पे ये मत बोलो कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तुम सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो, पहली बात तुम कंट्रोल कर रहे हो। पेरेंट्स यहाँ पे जो टॉक्सिक होते हैं ना वो ये नहीं सोच रहे मेरा बच्चा जो है वो दूर जाएगा तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, दुनिया खराब है, नहीं वो अपने बच्चों पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं कि मेरी लड़की दूर जा रही है पता नहीं वो क्या कर लेगी, मेरा बेटा दूर जा रहा पता नहीं वो क्या कर लेगा, अरे वो ये कर लेगा वो कर लेगा, अरे ड्रग्स ले लेगा, उनको खुद के बच्चे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर वो बच्चा खुद बोलेगा ना कि मम्मी पापा मेरी लाइफ है, मुझे करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है, वो फिर भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं तुम्हें बाहर क्यों जाना है, तुम्हें दूर क्यों जाना है, तुम्हें पास वाले कॉलेज में क्यों नहीं रहना है, वो क्वेश्चंस करेंगे और उनके क्वेश्चंस में कोई भी लॉजिक वाली बात होगी ही नहीं, वो इलॉजिकल बातें करेंगे, पास वाले कॉलेज में क्यों नहीं रहना, दूर वाले कॉलेज में क्यों रहना है। और जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो पहली बात की अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, विच इज वेरी 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 रॉन्ग। जब मैं छोटी थी ओके, लोग मुझे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाती हो, तुम अपना काम नहीं कर पाती हो, उसको देखो वो बाहर जाती है अपना सारा काम करती है, तुम्हारी एज की ही है। भाई अगर मेरा मन नहीं है बाहर जाने का तो मैं क्यों जाऊं। एंड हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की एक एबिलिटी एक टाइम होता है ग्रो होने का, अगर वो जा रही है तो हो सकता है कि उसके पास इतने गट्स हो, वो एक्सट्रोवर्ट हो, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं बाहर जाके चार लोगों के बीच में नाचूंगी नहीं, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। एंड जब मैं बड़ी हो गई हूँ मैं बाहर जाती हूँ तो तुम इतना बाहर जाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, बीस बार परमिशन लेनी पड़ती है पेरेंट्स की कि मैं जा रही हूँ मुझे काम है, मैं जा रही हूँ मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ मुझे काम है, उनसे बीस बार परमिशन लेनी पड़ती है, उनको ए टू जेड चीजें बतानी पड़ती हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, ये करने जाऊंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, उनको एक लिस्ट बना के दो, पहले मम्मी को फिर पापा को, देन परमिशन मिलती है कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं। ये आस्क अ लॉट ऑफ इलॉजिकल क्वेश्चन कि तुम्हारे पास खुद की प्राइवेसी ही नहीं है, जाएंगे कभी भी तुम्हारा फोन चेक कर लेंगे, तुम्हारे फोन में चीजें पूछेंगे कि ये कॉन्टेक्ट है किसका, ये कौन है, ये गैस लाइट यू सो मच। पहले वो ये बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, यू आर स्टूपिड, यू आर डम, वो उनकी बेटी को देखो, उनके बेटे को देखो, वो इतने स्मार्ट है, तुम गधी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम निकम्मी हो। उस चीजों पे जब वो बच्चा रिएक्ट करेगा तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, वो ये प्ले करेंगे कि भाई तुमने मुझे बोला, अपनी माँ को बोला, अपने पापा को बोला, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें बड़ा किया, तुम हमसे जमान लड़ा रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे कि वो जो चीजें हैं, जो एक्शन उन्होंने किया, उन्होंने स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद जब वो बच्चा रिएक्शन करेगा तो वो यही बोलेंगे कि हम तुमसे बड़े, अरे बड़े हो तो क्या,
बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी कभी जो बड़े होते हैं उनको भी छोटे जो होते हैं ना उनसे उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तुम यहाँ पे ये कार्ड मत प्ले करो कि मैं बड़ा हूं। आई डोंट गिव अ फक कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो, कोई भी हो, जब तक वो मेरे बाउंड्री से बाहर रहेगा मुझे रिस्पेक्ट करेगा मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगी। एंड इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को खुश करना है, मम्मी पापा जो हैं यू नो कुछ करना है फ्यूचर में, कुछ करना है उनको, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सपना देखते हैं कि हाँ ये करना वो करना अपने पेरेंट्स के लिए, बट पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे, वो यही बोलेंगे कि तुम निकम्मे हो तिकम्मी हो तुमसे कुछ नहीं होगा। वो बच्चा क्या करेगा जब तुम उस बच्चे को इतना बोल दोगे कि तुम पागल हो ये हो वो निकम्मे हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, तो वो बच्चा उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स उनसे उनके बच्चों की दूरियां बढ़ती जाती हैं, एक पॉइंट पे उनकी बातें बंद हो जाएंगी, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच, क्योंकि वो बच्चा सोचेगा ही नहीं यार कि तुमसे बात ही करना, जब मैं तुमसे बात करने जाता हूँ जाती हूँ तो तुम लोग ऑलरेडी इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है, तो इससे अच्छा भाई मैं नहीं बात करूंगा नहीं करूंगी। फिर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, जो कि ऑलरेडी होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी उस बच्चे को बैठाकर समझाया नहीं, उस बच्चे को बैठाकर उससे बातें नहीं की, उसको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा कंट्रोल किया, तो वो बच्चा ऑलरेडी डरा है अंदर से और उसको तुमने और डरा दिया है, वो कुछ नहीं करेगा। एंड उसके बाद जो पेरेंट्स रोते हैं ना कि तुम हमसे बात नहीं करते हो करती हो, तुम पता नहीं किस दुनिया में रहती हो, अरे भैया वो क्यों नहीं दुनिया में रहेगा, अलग ही, तुमने कभी खुद को देखा है? टॉक्सिक पेरेंट्स कभी भी अपने फॉल्ट को नहीं बोलेंगे, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी गलती है। वो बच्चा तो एक पॉइंट पे सोचेगा भी यार कि मैंने मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात की है, उसको रिग्रेट भी हुआ, बट माँ बाप जो होते हैं ना टॉक्सिक, वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि उन्होंने वो चीज़ क्रिएट की है, उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला उस बच्चे के ऊपर। वो बस यही बोलेंगे कि हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हारे टेबल पे खाना रखा है, हमने तुम्हें कपड़ा दिया है, हमने तुम्हें सर के ऊपर छत दिया है, बस उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, एक पेरेंटिंग, एक राइट पेरेंटिंग, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना चाहिए तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए, जो कि वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको करना नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने बस ऐसे ही बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनको नहीं पता कि बच्चों को पालते कैसे। ये सारी चीजें बहुत बार रील्स में भी देखी है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने घर के बारे में बताते हैं कि कैसे आई एम सो हैप्पी आई मूव्ड आउट फ्रॉम माय टॉक्सिक फैमिली टॉक्सिक हाउस, तो आई फील लाइक सो हेल्पलेस। और इट्स नॉट अबाउट कि मी बीइंग अ हेल्पलेस, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से इंसान को क्या जरूरत है, बट अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डील, आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है। सबसे पहला, अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स आपके साथ कुछ करते हैं, एक्शन करते हैं, कुछ बोलते हैं आपको, तो सबसे पहले तो आप लोग उसको रिएक्ट ही मत किया करो। अगर आपके पास आपका खुद का पर्सनल रूम है तो आप वहां चले जाया करो, उनको इग्नोर कर दिया करो, अपने रूम में जाओ अपना काम करो, एंड उनकी बातों को पर्सनली मत लिया करो, क्योंकि वो ना जब गुस्सा होते हैं तो वो अपने बच्चों को कर्ज भी दे देते हैं, बुरा भला यू नो बोल भी देते हैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो उनका बच्चा है, तो उनकी बातों को तुम पर्सनली मत लिया करो, गाने सुना करो, कुछ लिखा करो, बट उनकी बातों को पर्सनल मत लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने माँ बाप के बातों को इतना ज्यादा, अब उनकी कोई गलती नहीं है बट ले लेते हैं ना, एंड वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। सो पहली बात कि हाँ तुम्हें बुरा लगेगा कि योर ओन पेरेंट्स, अगर तुम्हारे ओन पेरेंट्स तुम्हें नहीं समझ रहे हो, तुम्हें इतना बुरा भला बोल रहे हो, तो दुनिया तो तुम्हें छोड़ेगी ही नहीं। सो खैर, हमेशा तुम अपनी सुनो जो तुम्हें लगता है, आई नो यू गाइस कैन डू दैट, हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करो, रिएक्ट ही मत करो, क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं एक रिएक्शन, ये देखते हैं हमारा बच्चा, हम इसको ये बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो वो करता क्या है? अगर तुम कुछ बोल दोगे तो वो एक ड्रामा क्रिएट हो जाएगा जिससे तुमको निकलने में जो मेंटल ट्रॉमा है। एंड इंडियन पेरेंट्स, आई डोंट नो, मैंने फॉरेन के बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है ना, मैंने वीडियो देखा, मैं पर्सनली बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस है, वो बच्चे की छोटी सी छोटी चीज की केयर करते हैं, एंड मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है अमेरिका में बहुत सारे टॉक्सिक पेरेंट्स हैं जो कि होते हैं, काश नहीं होंगे, इंडिया में भी है, बट इंडिया के पेरेंट्स की मेंटालिटी ये होती है ना कि वो जो छोटा सा बच्चा है ना उसके चीजों को भाई तुम सोचते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, एनी लेट सीट की मैं वीडियोस देखती हूँ बहुत ज्यादा, आप लोग देखना, उनके दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी चीज की केयर करते हैं, लाइक अगर उसको कोई टॉय भी चाहिए होगा ना तो वो भाई निकल जाएंगे, बोलेंगे कि आज इसको टॉय चाहिए तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे, छोटी सी छोटी चीजों की केयर करते हैं। बट टॉक्सिक पेरेंट्स भाई दे विल बी लाइक, क्या चाहते हो, घूमना चाहते हो तुम, पढ़ाई की तुमने कि तुम्हें घूमने के लिए जाना है? अगर आपके पास टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, टॉक्सिक फैमिली है आपकी, तो सबसे पहले कि अपना ध्यान रखो, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो, फिजिकली फिट रहो। आई नो दिस इज लाइक
वेरी बोरिंग मेंटली ट्रॉमा जो है ना, जो टॉक्सिक फैमिली से आती है, मेंटली ट्रॉमा, मैं सच में बता रही हूँ, दिस इज नॉट अ जोक. मेंटली ट्रॉमा इज लाइक वेरी बिग डील. इससे बहुत लोग गुजर रहे हैं, इसीलिए नहीं आजकल इतने लोग थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि उनके चाइल्डहुड में उनके साथ जो मेंटली ट्रॉमा क्रिएट होता है वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा. तो आई वॉन्ट यू गाइज कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले फिजिकली फिट रहो, एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि तुम लोग मेंटली फिट हो सको. टेक केयर ऑफ योर बॉडी सबसे पहली बात. दुनिया चाहे भाड़ में, तुम सबसे पहले सेल्फिश बनो. एक गुड सेल्फिश होता है ना, मतलब कि अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे लोग तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, ओके, तो तुम सेल्फिश बनो. तुम वहां पे खुद के लिए स्टैंड लो कि नहीं भैया, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, आई डोंट वॉन्ट यू. तुम सेल्फिश बनो खुद के लिए, तुम वहां से चले जाओ, खुद को, खुद की खुशियां ढूंढो, खुद की हैप्पीनेस ढूंढो कि तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है. करो, आई नो दिस इज वेरी हार्ड, बट आई स्टार्ट डूइंग दैट. फील लाइक जो जेंजी है ना, बहुत अच्छी है एक चीज, कि नो कि हमें क्या चाहिए. हम जो डिसीजन होता है ना वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं. खुद के लिए सेल्फिश है कि मेरी खुशी है, दुनिया जाए भाड़ में. ये जेंजी का वो है, यू नो, स्लोगन. वो खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, खुद के पीस के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. वो ये नहीं देखेंगे कि कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है. दे विल बी लाइक कि भाई मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू लिव. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड या अगर पसंद आएगी तो सब्सक्राइब. एंड आई डोंट नो कि इस वीडियो पे कैसा आप लोग का रिएक्शन आएगा, बट इट्स ओके. एंड आई होप गाइज तुम लोग ठीक हो. आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.